केमिस्ट्री क्लासरूम माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कंटेंट, आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर के टाइम्स फिट होते हैं, उनकी रेडियस रेशो को आप लोगों ने देखा, वो किस तरीके से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर उनका एक रेशो रहता है कि टेट्राहेड्रल में कौन आएंगे और ऑक्टाहेड्रल में कौन आएंगे। देन रेडियस रेशो इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशो बढ़ती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, रेडियस रेशो घटती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, और मैक्सिमम 0.155 से यह कहां तक चली जाती है, 1 तक, क्यूबिक तक। अब कल के एग्जांपल्स में आपने देखा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है उसमें आप सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हो, जिसका 8 आ रहा है उसमें आप सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम यह देखेंगे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कौन सी आयंस, कौन से केटाइंस, कौन से एनायंस जब क्रिस्टल बनता है तो किस साइट को ऑक्यूपाई करते हैं और किस तरीके से उनके फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले है हमारे पास सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो इसको सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि NaCl का भी यही होता है, NaBr का भी यही होता है, Na I का भी यही होता है। तो ये किस तरीके से बनता है, इसके अंदर जो एनायन है क्लोराइड आयंस वो ऑक्यूपाई करते हैं CCP अरेंजमेंट और FCC। मैंने पहले भी आपको बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्विवेलेंट विद क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC अरेंजमेंट, और जो सोडियम आयंस हैं वेयर दे आर प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल साइट्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, एक केटाइन 6 एनायंस के साथ जुड़ा है, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब ये केटाइन अपने नियर बाय कितने एनायंस के साथ जुड़ा होगा, 6 के साथ, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6। तो इनका फॉर्मूला क्या बना, NaCl 6:6 तो कितना आया, 1:1, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, NaCl। बट एक्चुअली क्या होता है, 6 इसका रहते हैं, 6 एटम्स इसकी और 6 एटम्स इसकी रहती हैं। ठीक है, अभी मैं इसका आपको जो क्रिस्टल लैटिस है वो बना के दिखाने वाली हूं, और मैंने पहले इसलिए ड्रॉ नहीं किया सो दैट आप देख सके कि ड्रॉ कैसे होगा। पहले हम सिंपल क्यूब बना लेंगे, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी भी क्यूब की साइड्स हैं सभी का हाफ हाफ करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ऊपर वाले सरफेस का हाफ किया और इनको आपस में जोड़ दिया, इसके सामने ये रहा हाफ इधर कर दिया, इसके सामने ये रहा हाफ ये कर दिया, और ये लीजिए बाहर वाली सारी साइड्स का हमने हाफ कर दिया। चलें अब इस फेस को देखते हैं, ये इसका हाफ और ये इसका हाफ, ये लीजिए इस फेस को देखते हैं, इसका हाफ और इसका हाफ, ये हो गया एक फेस हमारे पास इधर है, ये रहा, अब ये वाला फेस बचा, ये लीजिए अब एक ये सामने वाला फेस, ये वाला, तो ये लीजिए ये पीछे वाला फेस, ये लीजिए। ठीक है, और ये दोनों साइड्स, ये लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखें, 1, 2, 3 पैरेलल लाइंस, इधर से भी 1, 2, 3 पैरेलल लाइंस, नीचे वाले पे देखें 1 पैरेलल लाइन 2, 3, तो हर एक लाइन को हमने हाफ हाफ कर दिया। क्लोराइड आयंस दे आर एट FCC अरेंजमेंट, तो मैं क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट करूंगी एम्प्टी स्फीयर के साथ, और सोडियम को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे
डार्क के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये लीजिए, क्लोराइड आइंस जो हैं दे आर एट ऑल द कॉर्नर्स, हो गया। कॉर्नर के अलावा वो कहां पे है, एफसीसी, ये कॉर्नर्स और ये रहा फेस का सेंटर, ठीक है। ये रहा फेस का सेंटर, तो ये हर फेस के सेंटर के ऊपर ये आ गए हमारे पास क्लोराइड आयंस, ठीक है। और ये रहा पीछे वाले फेस का सेंटर, ये फ्रंट वाले फेस का सेंटर। अब सोडियम आयंस कहां पे हैं, ऑक्टाहेड्रल साइड्स के अंदर, तो लेट ऐड देम जितनी भी खाली जगह हमारे पास इधर बची है वहां पे आ गए सोडियम। अब देखो कोई भी लैटिस साइट खाली नहीं रही, दिख रहा है सबको, अब इधर कोई भी लैटिस साइट हमारे पास खाली बिल्कुल भी नहीं है, तो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, कहीं पे भी आपको दो क्लोराइड इकट्ठे नहीं मिलेंगे और कहीं पे भी आपको दो सोडियम इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अच्छा एक ये हमारा सेंटर रह गया हुआ जोड़ने को, ठीक। अब देखिए ये वाला जो सोडियम है कितनों से टच कर रहा है, कितने क्लोराइड को टच कर रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, ये वाला सोडियम आप देखो इसमें से सिक्स लाइंस क्रॉस हो रही है और सिक्स की सिक्स साइड्स कौन प्रेजेंट हैं, क्लोराइड आयंस। और अब अगर मैं एक क्लोराइड की बात करूं तो ये देखिए ये क्लोराइड एक सोडियम दो सोडियम तीन सोडियम चार सोडियम पांच सोडियम, और जब ये क्यूब आगे बढ़ेगा तो अगले वाले क्यूब के अंदर भी ये सोडियम के साथ कनेक्टेड होगा। अब क्योंकि यहां पे ये सोडियम बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में पहुंचा है, इसलिए ये चारों तरफ से घिर के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ये क्लोराइड है, क्लोराइड के अंदर आपको फाइव लाइंस दिखाई दे रही हैं और वो फाइव की फाइव लाइंस किसके साथ कनेक्टेड है, देख लीजिए सोडियम के साथ, और सिक्स वाला सोडियम नेक्स्ट वाले यूनिट सेल का होगा। मतलब एक सोडियम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स मींस ये सिक्स क्लोराइड के साथ टच कर रहा है और हर क्लोराइड सिक्स सोडियम के साथ टच कर रहा है, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें कॉर्नर्स और फेस सेंटर किसने ऑक्यूपाई कर लिए, क्लोराइड ने, और जो ऑक्टाहेड्रल साइड्स हैं उनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, सोडियम। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है, कि ऐसा नहीं है कि जोड़ के उनको रख दिया और वो सिलेक्शन हो गया। अब जो मैं बात कर रही थी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अपनी मर्जी से ये लोग नहीं लगेंगे, ये इस तरीके से एडजस्ट होगा। अब अगर हम बात करें सीजियम क्लोराइड की, सीजियम क्लोराइड के अंदर ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड के अंदर सिंपल क्यूबिक मींस एटम सिर्फ कहां पे हैं, कॉर्नर्स पे, सिंपल क्यूबिक का मतलब एटम्स हैं सिर्फ कहां पे, कॉर्नर्स पे। ये मैंने यूनिट सेल लिया है, इधर मैंने सोडियम क्लोराइड का पूरा क्रिस्टल बनाया है, तो सीजियम कहां पे है, सेंटर ऑफ द क्यूब। तो आप देखिए सेंटर ऑफ द क्यूब है, तो ये आठ के आठ क्लोराइड आयंस जो हैं ये इसके साथ क्लोज टच में है, मतलब सीजियम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर एट, एंड एवरी क्लोराइड एटम इट इज सराउंडेड बाय एट सीजियम आयंस। तो इनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सीजियम एट क्लोराइड एट, लेकिन क्योंकि रेशो एट इज टू एट है इट बिकम्स वन इज टू वन, और हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए जरा इधर आ जाइए आप, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और फ्लोराइड के उल्टे आते हैं एंटी फ्लोराइड, बिल्कुल ऑपोजिट, और वो एग्जाम्पल है Na2O,
यहां पे केटायन एक, एनायन दो, यहां पे केटायन दो और एनायन एक, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस, दीज आर प्रेजेंट इन एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी अरेंजमेंट मींस कॉर्नर और फेस सेंटर के ऊपर सेम इस तरीके से। और फ्लोराइड आयंस दे आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स। ओके, कैल्शियम फ्लोराइड एफसीसी अरेंजमेंट, आपको पता है एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती हैं? 4। पर एटम टेट्राहेड्रल होल्स कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम 2। तो 4 है तो टोटल कितने हुए? 8। पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, इसमें टोटल एटम्स होती हैं 4। तो इसका मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आए? 8। और यही रीजन है फ्लोराइड एटम्स कितनी होंगी, फ्लोराइड आयंस कितने होंगे हमारे पास? टोटल 8। यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है अपने आपको। देखिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर मींस इसके सराउंडिंग फ्लोराइड आयंस कितने हैं? 8। और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मींस फ्लोराइड आयन के सराउंडिंग कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस कितने हैं? वो कितने होंगे? 4। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला हमारे पास बना कितना, कैल्शियम का, कैल्शियम कितने लगे? 4। और फ्लोराइड जो है वो कितने लगे? 8। तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो CaF2। फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मींस फ्लोराइड खुद कितने हैं? 8। फ्लोराइड का 4, तो कैल्शियम कितने हैं? 4। तो ये आ गया Ca4F8 मींस 1:2, तो फॉर्मूला क्या बना? CaF2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कैल्शियम के साथ 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मींस इसके साथ कितने फ्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं? 8। फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मींस ये कितने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ है? 4 के साथ। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा 1:2, और फॉर्मूला क्या बन गया? CaF2 मींस फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखिए जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, सेम यही वाली कंडीशन, सल्फाइड टू आयंस, एनायंस जो हैं वो सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट में हैं, सेम सोडियम क्लोराइड की तरह, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस, एंड जिंक टू पॉजिटिव इज कवरिंग हाफ टेट्राहेड्रल साइट्स। ठीक है, अभी मैं इधर आपको बता के आई, एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 × 2, 8, बट इट इज ऑक्यूपाइंग हाफ, देयरफॉर कितने यहां पे ऑक्यूपाइड होंगे? ऑक्यूपाइड बाय जिंक टू पॉजिटिव, कितने उसने बोले? हाफ, हाफ ऑफ 8 मींस 4। तो जितने भी उसके टेट्राहेड्रल साइट्स होंगी उसका 50% ये कवर करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक टू पॉजिटिव कितना होना चाहिए? 4। और सल्फाइड का भी कितना है? 4। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? Zn(S)4, 4, 1:1, फॉर्मूला क्या बन गया? जिंक सल्फाइड। जिंक टू पॉजिटिव जो है इट इज प्रेजेंट, इट इज कवरिंग ओनली हाफ, हाफ का मतलब डबल होना चाहिए था, लेकिन डबल ना होकर जैसे उसमें CaF2 के अंदर था, डबल ना होकर ये कितना रह गया? हाफ। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? वैसे तो एक इसका क्या होना था, अगर जिंक पूरा कवर करता तो इसका यहां पे आना था 8, बट कितना आ रहा है? 4, क्योंकि उसने हाफ ऑक्यूपाई किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ZnS, जिंक सल्फाइड। तो ये थे डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड। आपको पता होना चाहिए इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस निकलते हैं कि सोडियम क्लोराइड में कौन से वाले आयंस कहां पे होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर किए जाते हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर वो भी इसी तरीके से होंगे कि केटायन है ए, एनायन है बी, और वो ऑक्टाहेड्रल साइट्स में है या 50% टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के
आपने जो भी फॉर्मुलेशन है उसको करना है. तो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल. आप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल चुके हो, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाल चुके हो, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल चुके हो. अब हम देखेंगे डेंसिटी, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए. हमें पता है किसी भी यूनिट सेल को हम कैसे लेते हैं, एज अ क्यूब, ठीक है. और क्यूब की एज लेंथ किसकी होती है, ए. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर आया, ए क्यूब. अब आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. पर यहां हम मास किसका देखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल के अंदर मास किसका है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं. नंबर ऑफ, अब मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम. जितनी उसमें एटम्स हैं उसका ए का मास कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल. तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल उसको मैंने डिनोट किया जेड से, और मास ऑफ ईच एटम को मैंने लिया स्मॉल एम. ओके, मास ऑफ एन एटम किसके बराबर होती है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. हम ऐसे निकालते हैं ना, एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो किसका आएगा, एक एटम का, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट से हम एक सिंगल एटम का मास निकाल रहे हैं. तो एटॉमिक मास को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से, और एवोगैड्रो नंबर क्या है, एन ए, ठीक है. अब मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर है, जेड इंटू एम. जेड इंटू एम किसके बराबर आया, मास ऑफ एन एटम स्मॉल एम किसके बराबर आया, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. अब मैंने ये चीज भी निकाल ली, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू. मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो अब डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला हमने, z m अपॉन एन ए, और वॉल्यूम कितना है, ओब्लीक ए क्यूब. ओके, कैसे लिखेंगे हम इसको, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. तो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी. अब यहां पे कौन सी चीज क्या है, आपको अच्छे से पता है z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. जो भी यूनिट सेल आपको गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिंपल क्यूब है तो z विल बी इक्वल टू वन, अगर वो BCC है तो z विल बी इक्वल टू टू, और अगर वो FCC है तो z कितना आ जाएगा, फोर, ठीक है. तो z का मतलब उसमें कितनी नंबर ऑफ एटम्स हैं. m क्या है, एटॉमिक मास. अगर मान लीजिए उसमें सोडियम एटम्स है तो उसका एटॉमिक मास 23, अगर क्लोराइड है तो 35.5, तो उस तरीके से एटॉमिक मास. एन ए, इट इज एवोगैड्रो नंबर, सबको पता है 6.02 × 10⁻³, और ए क्यूब, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वेयर ए इज इक्वल टू एच लेंथ. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाकर न्यूमेरिकली दिस इज द फॉर्मूला. अब आपको उन्होंने दिया होगा कि फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट के अंदर बताइए उसकी डेंसिटी कितनी है, तो जेड आपको उसकी इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा, कौन सी एटम प्रेजेंट है आपको एटॉमिक मास पता चल जाएगा, फर्क सिर्फ रहता है एज लेंथ. एज लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे आपको गिवन होगा, और आप आसानी से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. नाउ फोकस एट द स्टेटमेंट, एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50 यूनिट्स,
कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। जैसा मैं आपको हमेशा सिखाती हूं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो कुछ आपको गिवन है उसको प्रॉपरली लिखें। स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे। एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री, ठीक है, तो बीसीसी ज्योमेट्री का मतलब जेड नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, जेड से डिनोट करेंगे कितनी होती है, अभी टू बॉडी सेंटर में कॉर्नर और सेंटर ऑफ बॉडी। एटॉमिक मास, इसको आप किससे लिख रहे हो, कैपिटल एम के साथ, और वो आपको दिया है 50 यूनिट्स और इक्वल टू 50 ग्राम्स। अब एज लेंथ, एज लेंथ इज ए, इट इज 290 पिकोमीटर, और हर बार आपको पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में। तो पिकोमीटर 290 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हमारा जो भी गिवन पोर्शन था वो कंप्लीट। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए जरा। डेंसिटी किसके बराबर होती है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब आपको सब कुछ गिवन है, जेड कितना है भाई 2, एम कितना है 50, एन ए 6.02 × 10⁻²³ इंटू ए क्यूब कितना आया 290 × 10⁻²⁻¹ का क्यूब। तो ऊपर आ गया 50 × 100, नीचे आपके पास बचा 6.02 × 10⁻²³। अब यहां देखिए 290 × 290 × 290 × 10⁻²⁻¹ 3 बार आया, तो 10, 20, 30, तो −30। मैं इन दोनों को देखूं, मेरे पास आ गया 100 अपॉन 6.02 290 और 10⁻²⁻ हो गया 30 और 23 इसमें से माइनस हो गए, दिस इज −7। तो इट विल बी 100 × 10⁻²⁷ अपॉन 6.02, लेट इट बी 29 29 29, 1 2 3, 3 जीरो में ऊपर ले जाती हूँ, 10⁻²⁻¹ 3। अब ये 2 इधर भी है, 7 और 2 9, 10⁻²⁹ 9 इंटू 10⁻²⁻¹ 3 अपॉन 6.02 29 29 29, ये आ गया 10⁻²⁶ अपॉन 6.02 इंटू 29 29 29। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 6.81 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका कैलकुलेशन का तरीका मेरे से अलग हो सकता है, तो जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट 6.81 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपको आता है, सब कुछ गिवन होता है, उसने हमें नहीं बताया कि जेड की वैल्यू 2 है, उसने बीसीसी लिखा, एफसीसी लिख सकता है, सिंपल लिख सकता है, मास आपको गिवन होगा, एज लेंथ आपको दी होगी, बस फर्क क्या होगा, पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। असाइनमेंट में मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स भेजूंगी, आप सॉल्व करके मेरे को जरूर वापस भेजें, सो दैट हम उसको चेक कर पाए आप कितना सा कर पाए हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस, थैंक यू।